हेलो स्टूडेंट, सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय सूरज। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। नॉलेज प्रैक्टिस पेपर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ज्योमेट्री का, एल्जेब्रा का भी स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे आपके लिए, क्योंकि सूरज सर आपके लिए है, आपका सपोर्ट करने के लिए है। तो आज हम लोग सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज करने वाले, तो डोंट वरी, आज के बाद सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज भी हलवा हो जाएगा। और आई थिंक आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग ऐसे ही करते रहिए और अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोग का। मेहनत बहुत करना बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो 25 दिन बचे हैं ना, 28 दिन जो भी आपके पास, जितने भी दिन है, एक महीना, उस एक महीने में आपको रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, 21 का, अपने बुक का, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, यदि स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो आप उसको कमेंट करके भेजिए, उसको कमेंट करिए, ईमेल करिए आप उसको। यदि हमें टेलीग्राम पे फॉलो किया, टेलीग्राम में भेजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो किया तो इंस्टाग्राम में भेजिए। एक ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन आपको ना हो जो आपको ना आता है, क्योंकि आपको 100 out of 100 लाना है। सूरज सर ने पहले आपको बोला था, और जहां जितना हो पाएगा उतना करेंगे बच्चों। अभी नाइट को भी लाइव आने वाले हैं आप लोग के लिए, ठीक है। संडे संडे लाइव आते हैं। अभी इस बार से 12th का भी लाइव चालू होने वाला है संडे को। तो आपके पहचान जितने भी 12th के बच्चों को बोल दो कि 12th का भी लाइव सूरज सर ने चालू कर दिए हैं संडे से। अभी चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और प्रैक्टिस सेट 3.3 सर्कल का। तो बच्चों, यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है सर्कल का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल, तो प्लीज जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बच्चों, अब स्टार्ट कर दें सर्कल का 3.3 प्रैक्टिस सेट क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए, तो बच्चों क्या किया है, इन फिगर 3.37 पॉइंट जी डी ई एफ आर कंसाइक्लिक पॉइंट, मतलब एक ही सर्कल पे, एक ही सर्कल के पॉइंट, ठीक है। कंसाइक्लिक पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर सी, विद सेंटर सी, एंगल ई सी एफ, ई सी एफ ये वाला है, कितना है 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर डी जी एफ, डी जी एफ इतना, कितना है बच्चों 200 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ आर डी ई, वी हैव टू फाइंड डी ई, एंड मेजर ऑफ आर डी ई एफ पूरा है, ठीक है। चलो, तो बच्चों जो गिवन है पहले उसको लिख देंगे। गिवन क्या क्या है, अब सर्कल विथ सेंटर सी पॉइंट D, E, F and G are concentric point. Are concentric. मतलब एक ही सर्कल में, इतना भी लिखा तुमने। अब देखिए बच्चा, और गिवन क्या दिया है, एंगल ECF, एंगल ECF इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर आर डी जी एफ इक्वल्स टू 200 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, बोर्ड में भी गिवन टू फाइंड, देन सॉल्यूशन प्रूफ, जो भी है। ऐसे लिखने पे क्या होगा, आपका हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलेगा, गिवन का जो मार्क्स होगा हाफ मार्क्स गिवन पे मिलेगा, ठीक है। चलो बच्चों, टू फाइंड क्या फाइंड करना है,
फाइंड कैसे करना बेटा, पहला चीज क्या है, मेजर ऑफ आर्क डीई, मेजर आर्क डीई, देन सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क डीईएफ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इतना आसान है कि आप यू फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, सेंट्रल एंगल, क्या है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल इतना होता है और ये क्या है, माइनर आर्क है, तो सेंट्रल एंगल माइनर आर्क के मेजर के इक्वल होता है बाय डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाय डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाय डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, याद रखिएगा बाय डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क डिफिनेशन क्या होता है, सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। अब बेटा ये 70 ये 70 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आर्क दिया, आर्क डीजीएफ कितना है, 200 है, तो ये आर प्लस ये आर प्लस ये आर कितना हो जाएगा, 360। मेजर ऑफ सर्कल इज 360, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल लिखो या मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 होता है। तो बच्चों 360 हो जाएगा, ये 270 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, 90 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90। अब ये 90 है तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, देखो डी मिल गया 90, तो डी ई एफ, तो ये आर प्लस ये आर, जैसे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होता है ना, दो एंगल को ऐड करते हैं, वैसे आर का एडिशन प्रॉपर्टी होता है, ये दो आर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, आर एडिशन प्रॉपर्टी, तो आर ई डी प्लस आर ई एफ इक्वल्स टू आर ई बी एफ ना, तो आर एडिशन प्रॉपर्टी कितना बन जाएगा, 160। चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन, तो बच्चों इन सर्कल अब क्या लिखेंगे बच्चों, देखो एंगल एंगल ई सी एफ इक्वल 70, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ई सी एफ इक्वल्स टू 70 कैसे है, गिवन है ये बताइए, देयरफॉर मेजर आर्क, देयरफॉर मेजर आर्क ई एफ, मेजर आर्क ई एफ, मेजर आर्क ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 70 बाई डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाई डिफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। मेरे प्यारे बच्चों ये मिल गया, जब ये मिल गया तो गाना सुने मैंने, तू मिल गया तो सब मिल गया, तो ये मिल गया तो अभी सब मिल गया, ठीक है। चलो अभी ये मिल गया है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा ये भी मिल जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो बेटा मेजर आर्क डीई प्लस ईएफ प्लस डीजीएफ, मेजर आर्क डीई प्लस मेजर आर्क ईएफ प्लस मेजर आर्क डीजीएफ, इक्वल्स टू 360, मेजर ऑफ सर्कल इज 360, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू पुट कर दो, डी तो फाइंड आउट करना है, मेजर आर्क डीई प्लस, अब बेटा ई एफ कितना है, 70 प्लस ये कितना दिया बेटा, 200 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बेटा इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो आप चाहे एक बार आप 270 लिख दो उसके बाद माइनस करो या डायरेक्टली माइनस करो, तो देयरफॉर मेजर आर्क डीई इक्वल्स टू 360 माइनस 270। तो बच्चों ये 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा, 060 माइनस 7 90 कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, तो ये कितना मिल गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 90 है तो पूरा कितना होगा, ये 90 है 70 160, तो
पूरा आपने वो चाहिए ना मेजर आर। देखो ये पहला वाला फाइंड आउट हो गया, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाला मेजर आर डीई एफ, मेजर आर डीई एफ, तो ये आर प्लस ये आर इक्वल्स टू डीई एफ ना, तो क्या होगा बेटा आर एडिशन प्रॉपर्टी। तो बेटा ये डायग्राम रफ कर रहा हूं या यहां पे कर रहा हूं, चलो कर लो। सेकेंड मेजर आर, मेजर आर डीई एफ, डीई एफ इक्वल्स टू मेजर आर डीई प्लस मेजर आर एफ। अब बेटा यहां क्या लिखोगे, गया बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी, बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी, बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी, बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 160 डिग्री। मेजर आर डी ई एफ इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो बच्चों आई होप आपको समझा होगा। जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बोले सूरज सर हम लोग के लिए एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा रहे हैं, लाइव लेक्चर दे रहे हैं संडे संडे, सारे बच्चों को बता के रखिए। ऐसा एक भी बच्चा ना हो जिसको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो और उसको डाउट रह जाए एग्जाम से पहले। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते रहेंगे आप वो टॉपिक भी भेजिए, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम है वो फटाफट टॉपिक जो डाउट है आपको वो जरूर सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। और हम पेपर भी टेलीग्राम पे मॉडल पेपर भी हम लोग बना के अपलोड कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत सारे पेपर मिलने वाले हैं, मैथ्स के साइंस के और सब्जेक्ट के पेपर हम लोग वहां पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। बेटा ऐसा डायग्राम है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर 3.3 है, ये फिगर का नंबर है। अब देखिए बेटा ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। माय डियर स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस व्हाट, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इट मींस QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू QS, तीनों इक्वल है। अब बेटा ये इक्वल है और ये क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। यदि आपने बेसिक वीडियो देखा है तो वहां मैंने बताया था इफ टू कॉर्ड्स और मोर देन टू कॉर्ड्स ना, इफ टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है माय डियर स्टूडेंट। तो कॉर्ड भी क्या होंगे, देखो तो आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये कॉर्ड इससे कॉन्ग्रुएंट है इसे, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। समझ गया ना, ये तो कॉर्ड है बेटा, तो ये देखो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो तीनों साइड इक्वल होगा, मतलब तीनों ये जो कॉर्ड है ये इक्वल है, मतलब इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके। अब देखिए बेटा प्रूफ दैट, तो प्रूफ क्या करना है, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। सेकेंड वन क्या करना है, मेजर ऑफ प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस 240 डिग्री। चलो पहले गिवन लिख लेते, अब गिवन में क्या है, ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी टू प्रूव क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्या है, आर्क आर एस
is congruent to arc QS is congruent to arc QR. Second one, क्या दिया है? मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस हमें प्रूफ करना है कि 240 डिग्री. ठीक है, चलो बच्चों करते हैं. बहुत आसान है बच्चा, हलवा हो जाएगा हलवा, पर दिल लगा के देखना पड़ेगा. किसी चीज को आप पाना चाहते हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, किसी को पाना नहीं चाहते हो. देखो, किसी को पाना चाहते हो तो भी उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, और ये समझना चाहते हो तो भी इसके पीछे पड़ना पड़ेगा. किसी को पाना नहीं है अभी फिलहाल, एक ही महीना है अभी, हमको मैथ को पाना है. मैथ में 100 out of 100 आपको लाना है, ये पाने के लिए पढ़ो. अब किसी को पाना है तो उसको भी पीछे पड़ना पड़ेगा ना, इसके पीछे पड़ो. इसको पाना चाहते हैं वो, इसके पीछे पड़ जाओ. चलो बच्चों, अब यहां पे प्रूफ क्या होगा? देखो बच्चों, प्रूफ तो बच्चों प्रूफ में क्या होगा, ए ट्राइंगल क्यू आर एस, ये इसके, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है. इट मीन सेगमेंट आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस. चलो, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, अभी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि आर एस सेगमेंट आर एस इज इक्वल्स टू सेगमेंट क्यू एस इज इक्वल्स टू सेगमेंट क्यू आर. सेगमेंट क्यू आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां क्या लिखना है बेटा, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, सो वी कैन राइट लाइक दैट, और देयरफॉर सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस is congruent to segment QR, right? Now we have to take, since both three segments are congruent, na? We have to take let segment RS equals to segment QS equals to, तो हम लोग S लेते हैं, लेकिन S इसका नहीं लेना, हमको क्योंकि प्रूफ करना है ये congruent है ना, तो R को लेना पड़ेगा. segment QR, QS, देखो QR, QS and RS are congruent. तो ये बेसिक कार्य मैंने बताया था, इफ टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, इट मींस देयरफॉर वी कैन राइट आर, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर. आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू एस is congruent to R Q R. तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, corresponding arc of congruent triangle, congruent chord, corresponding arc of congruent chord, congruent arcs of congruent chord. ठीक है बच्चों, चलो अब बेटा ये पहला चीज प्रूफ हो गया. ठीक है, जो अपने को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ये पहला चीज प्रूफ हो गया. अब ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, अब सेकेंड अपने क्या करना है, सेकेंड वी हैव टू प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज 240, क्यू आर एस इज 240. तो माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, so we have to take the both three is equals to x, yes we can. तो क्या लिखना पड़ेगा, let arc rs is congruent to arc qr, congruent है तो equal भी होगा, equal लिख सकते हैं, equals to arc qr equals to x. तो तीनों का क्या ले लिया, x ले लिया. देखो मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल है, मेजर ऑफ सर्कल इस 360 होता है, ये आर्क प्लस ये आर्क प्लस ये आर्क इक्वल 360. तो क्या लिखेंगे, मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क दो बार क्यू आर, आर एस क्यू एस
यहाँ पे बच्चों क्यू एस कर देना है जल्दी से गलत, क्यू एस एंड इधर आर क्यू आर इक्वल्स टू 360। बच्चों यहाँ पे क्यू एस लिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा था जल्दी से, यहाँ पे क्यू आर हो गया था, क्यू एस लिख रहा है ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 इज 360। अब मेरे प्यारे बच्चों सबके प्लेस पे क्या लिख देना है, x, क्योंकि तीनों किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो क्या लिख देना है, x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो कितना है बेटा, 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 360 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा, 31 जा 3, 32 जा 6 एंड 0 एंड 0 मतलब 120 डिग्री हो गया। कितना होगा बच्चा, 120 डिग्री। इट मींस ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। देखो बेटा 120 120 कितना हो गया, 240। अपने को प्रूफ क्या करना है, मेजर ऑफ आर क्यू आर एस, क्यू आर एस। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, मेजर ऑफ आर क्यू आर एस। अब क्यू आर एस कैसे बना है, मेजर ऑफ आर क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर आर एस, मेजर ऑफ आर क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर आर एस। और ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, आर एडिशन प्रॉपर्टी। दो आर मिलके एक आर बन रहा है ना, क्यू आर एस, तो क्या बोलेंगे, आर एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहां लिखना पड़ेगा बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी, बाय आर एडिशन प्रॉपर्टी। अब बच्चों ये दोनों का वैल्यू क्या है, x एंड x है, तो क्या मिल गया, 120 120। तो चाहिए तो x x पुट कर दो डायरेक्टली 120 पुट कर दो, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा बच्चों, 240 डिग्री, 240 डिग्री। देयरफोर मेजर ऑफ आर क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। आई होप बच्चों आप लोगों को समझा होगा ठीक है, समझ गया है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो एग्जांपल वो भी इंपॉर्टेंट था, आपको तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है और एकदम हलवा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप एक बार देखने के बाद आपको ऐसा लगता है बस हो गया खत्म। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, जिस तरह है ये मार्कर थोड़ा हाथ ऐसा है, चलो देखते हैं बेटा, ए बी सी डी ऐसा है क्वेश्चन, क्या बोला है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। बेटा कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी के, अभी फिर से आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही प्रॉपर्टी तो है माय डियर स्टूडेंट, एक ही प्रॉपर्टी है बच्चों, कह रहे बच्चों बस एक ही प्रॉपर्टी है, ए बी इफ टू कॉर्ड ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, या यू कैन से दैट देयर अपोजिट आर्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देखो अभी ए बी के सामने कौन सा आर्क है, ए सी बी, ए सी बी देखो ये वाला कॉर्ड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सामने वाला आर्क इसके सामने वाले आर्क का हुआ कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये आर्क कॉन्ग्रुएंट ही आर्क है। और देखो दोनों में कॉमन क्या है, सी बी, तो कैंसल हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है दैट प्रूफ दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी बी, सर यू हो गया, ये तो बिना किए हो गया, चलो करके देखते हैं। चलो भाई हम आपको समझा हो, देखो आर्क ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी डी के, हाँ डी बी सी के, तो सी बी तो दोनों में है, ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी इक्वल्स टू डी बी बी डी। चलो तो गिवन क्या दिया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, गिवन क्या दिया है बेटा, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन हो गया। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बेटा, आर्क एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू
आरबीडी अब प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे? सिंस कॉर्ड एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सीडी, ये क्या है, गिवन है। देयरफॉर इफ टू कॉर्ड ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट आर्क आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा एबी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी बी, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर्क ए सी बी, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क। अभी ए ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के, तो सी डी के करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा, रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। मेरे प्यारे बच्चों अभी ये आर्क कैसे बना है, ए सी बी कैसे बना है, तो कोई भी बच्चा बोल सकता है सर ए सी प्लस सी बी, राइट, ए सी प्लस सी बी आर रिलेशन प्रॉपर्टी। मैं बोलूंगा बेटा ये कैसे बना है, सी बी डी कैसे बना, तो आप बोलेंगे सर सी बी प्लस बी डी, राइट। चलो लिखते हैं, तो बेटा क्या लिख सकते हैं, ये कैसे बना है, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, आर्क ए सी, देखो बच्चा आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, आर्क सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब बेटा सी बी डी कैसे बना है, तो बोलेंगे आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, तो लिखेंगे क्या बेटा, आर्क सी बी, आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। और मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे आया, तो यहां पे लिखेंगे बाय आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, बाय आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो सीबी सीबी कुछ कुछ हो जाएगा, आर्क सीबी एंड आर्क सीबी कुछ कुछ हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा, देयरफॉर आर्क एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बीडी, यही बनता है क्या आपने को, तो क्या लिखेंगे, यही बनता है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यही बनता है, मतलब यही लिखेगा ना, तो हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चा, आपको लिखना है हेंस प्रूफ। चलो तो यदि आपको समझ में आया रहेगा तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ओके, तो थैंक यू, और लास्ट तक बने रहने के लिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए सूरज सर के ऊपर, और जो भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, और हर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको वीडियो। और बच्चों प्रैक्टिस बहुत करना है, देखो कोई भी चीज आपको करना है लाइफ में, कुछ भी चीजें पाना है, बिना मेहनत का नहीं मिल सकता, भाई जो ऐसे बहुत कम लोगों को मेहनत कम मिल जाता है जो मेहनत नहीं करते, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपका कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से है, तो एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जितना उन्हें प्रैक्टिस से पूरा सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा लाइव सेशन में करा ही रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को कमेंट करिए, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस पेपर का एक एक क्वेश्चन होने वाला है, मैथ वन मैथ टू का एक एक क्वेश्चन होने वाला है, तो आप जरूर देखिए लाइव सेशन एवरी संडे 1 बजे से 3 बजे तक, मैथ पार्ट टू हो रहा है अभी, तो आप देखना ना भूले और अपने दोस्तों को बताना ना भूले, सब रिमाइंडर सेंड कर दिया जाता है पहले ही, या चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों।